हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन माय न्यू वीडियो, जो कि पहली वीडियो का सीक्वल है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्रैब साइकिल किया था, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ क्रैब साइकिल। इसमें मैं सारे के सारे स्टेप आपको वन बाय वन समझाने वाली हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये एक ओवरऑल फ्लो चार्ट है क्रैब साइकिल का। एक साइकिल एक प्रोसेस है जो कि हेयर इन दिस सिट्रिक एसिड साइकिल, इन ईच टर्न ऑफ दिस साइकिल वन एसिटाइल ग्रुप जो कि टू कार्बन कंपाउंड है एंटर्स एसिटाइल को ए एंड द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीव। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट इज यूज टू फॉर्म सिट्रेट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट इज रीजनरेटेड। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर साइकिल में, ईच साइकिल में एक एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसिटेट के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है, सिट्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और पूरी साइकिल होने के बाद ऑक्सैलो एसिटेट जो है वो रीजनरेट हो रहा है और टू सी ओ टू मॉलिक्यूल पर एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। साथ ही साथ में नो नेट रिमूवल ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट अकर्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट कैन थियोरेटिकली ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या जो क्रैब साइकिल है इसमें क्या हो रहा है, कि शुरुआत में क्या हो रहा है और ऑक्सैलो एसिटेट का मॉलिक्यूल इसमें किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। और इसके साथ में जो ये जो क्रैब साइकिल है इसी का नाम TCA साइकिल भी है और सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। सिट्रिक एसिड साइकिल फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट बीइंग अ सिट्रेट एंड द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज जो सिट्रेट है उसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और जो सिट्रेट है वो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब इतनी कॉम्प्लेक्स साइकिल को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और क्रैब साइकिल के टोटल 8 स्टेप्स हैं, अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ द कंडेंसेशन स्टेप, जहाँ पर एक ऑक्सैलो एसिटेट का मॉलिक्यूल जो कि एक फोर कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल को ए के साथ में कंबाइन कर रहा है और सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में एक सिट्रेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है एंड द सिट्रेट मॉलिक्यूल इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को ए विद ऑक्सैलो एसिटेट टू फॉर्म सिट्रेट कैटलाइज बाय सिट्रेट सिंथेस। और साथ ही साथ में मैं बता दूँ कि जो एसिटाइल को ए है ये हमारा पाइरूवेट से फॉर्म हो रहा है जो कि कैटलाइज है बाय पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ द PDH कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर एक NAD का मॉलिक्यूल NADH में भी रिड्यूस हो रहा है और ये स्टेप जो है वो कंडेंसेशन स्टेप है। और साथ में ये जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स है ये एक की रोल प्ले करता है इसके इस साइकिल की रेगुलेशन में। और जो ऑक्सैलो एसिटेट से एसिटाइल को एक कॉम्बिनेशन से सिट्रेट फॉर्मेशन हो रहा है वो एक इरिवर्सिबल स्टेप है। नेक्स्ट अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर टू। दिस इज द स्टेप नंबर टू जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज़ द डिहाइड्रेशन स्टेप एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द हाइड्रेशन स्टेप। मैंने यहाँ पे वाटर का रिमूवल और वाटर का एडिशन दिखाया है रिस्पेक्टिव स्टेप्स में। यहाँ पर क्या हो रहा है, द एंजाइम एकोनिटेस, एंजाइम जो एकोनिटेस है उसे हम मोर फॉर्मली एकोनिटेट हाइड्रेटेस भी बोल सकते हैं। इट कैटलाइज द रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट थ्रू द इंटरमीडियरी फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द सिस एकोनिटेट। यानी कि जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है सेकेंड स्टेप में, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अ सिस एकोनिटेट। तीनों ही सिक्स कार्बन कंपाउंड्स हैं और एक ही एंजाइम से कैटलाइज्ड हैं, दैट इज द एकोनिटेस या फिर एकोनिटेट हाइड्रेटेस। ये है हमारा स्टेप नंबर टू जो कि टू पार्ट्स में आपको डिवाइड करके दिखा दिया है। अब है स्टेप नंबर थ्री और ये स्टेप जो है स्टेप नंबर टू, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज़ द स्टेप नंबर थ्री विच इज़ द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीलेशन। हेयर आइसोसिट्रेट इज बींग कन्वर्टेड इन टू अल्फा कीटोग्लिट्रेट एंड दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। हेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लिट्रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कैटलाइसिस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू फॉर्म अल्फा कीटोग्लिट्रेट। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक CO2 यहाँ पे एस्केप हो गया है इसलिए जो आइसोसिट्रेट है वो एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है और अल्फा कीटोग्लिट्रेट वो है वो एक फाइव कार्बन का कंपाउंड है। और ये जो स्टेप है दिस इज़ अ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड इज कैटलाइज बाय आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट इज द स्टेप नंबर फोर। दिस इज द स्टेप नंबर फोर विच इज
एंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीलेशन. हेयर दिस इज अनदर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीलेशन इन विच अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज कन्वर्टेड इंटू सक्सिनाइल को एंजाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स. एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और जो सक्सिनाइल को हुई है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर एक CO2 का एस्केप भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1 कार्बन डिक्रीज हो गया है. अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो जहाँ एक 5 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनाइल को एक 4 कार्बन कंपाउंड है. ये है हमारा स्टेप नंबर 4, दैट इज़ अ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीलेशन. नाउ स्टेप नंबर 5, दिस इज़ द स्टेप नंबर 5, दैट इज़ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज सक्सिनाइल थायोकाइनेस, एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. इसका मतलब यहाँ पर बनेगा ATP या फिर GTP. द सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट बाय सक्सिनेट थायोकाइनेस, एंड दिस रिएक्शन इज कपल्ड विद फॉस्फोराइलेशन ऑफ GDP टू GTP और ADP टू ATP. दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पर सक्सिनाइल कोई भी 4 कार्बन कंपाउंड है और सक्सिनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है. और ध्यान देने की बात ये है कि ये जो सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम है, ये 2 आइसो एंजाइम्स ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज हैज बिन आइडेंटिफाइड. यहाँ पे 2 आइसो एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं. वन इज डिपेंडेंट ऑन GDP एंड द वन विच इज डिपेंडेंट ऑन GDP इज प्रेजेंट इन टिश्यूज लाइक लिवर एंड किडनी वेयर ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर, एंड द सेकेंड डिपेंड्स ऑन ATP एंड प्रेजेंट इन नॉन ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यूज दैट इज द ब्रेन एंड हार्ट. मतलब जहाँ पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, दोनों ही जो प्लेसेस हैं उसके बेसिस पे इसके 2 आइसो एंजाइम्स हैं. इसीलिए जहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है वहाँ पर तो GDP पे डिपेंडेंट वाला आपको आइसो एंजाइम देखने को मिलेगा, और जहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही, दैट इज़ द नॉन ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यू जहाँ पे ब्रेन है और हार्ट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर जो आइसो एंजाइम मिलेगा वो होगा डिपेंडेंट ऑन ATP. तो ये जो स्टेप है, दिस इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पर कन्वर्जन हो गया सक्सिनाइल कोए का सक्सिनेट में, एंड बोथ आर 4 कार्बन कंपाउंड. दिस इज़ द स्टेप नंबर 6, विच इज़ द डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप. यहाँ पर सक्सिनेट इज रिवर्सिबली कन्वर्टेड इंटू फ्यूमरेट, एंड बोथ आर 4 कार्बन कंपाउंड, एंड द रिएक्शन इज बिंग कैटेलाइज बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनियस. ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनियस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH2, नोट NADH. यहाँ पर ये पूरी साइकिल में यहीं पर FADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी जहाँ बनेगा एनर्जी वहाँ पर बनेगा NADH या फिर ATP या फिर GTP. यहाँ पर बनेगा FADH2. ये है हमारा स्टेप नंबर 6, दैट इज़ द डिहाइड्रोजिनेशन. यहाँ पर कोई भी कार्बन का लॉस नहीं हो रहा, दोनों ही 4 कार्बन कंपाउंड है. नाउ स्टेप नंबर 7, नाउ दिस इज द स्टेप नंबर 7, विच इज़ द हाइड्रेशन स्टेप. यहाँ पर फ्यूमरेट मेलेट में रिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहा है. इट मीन्स फ्यूमरेट इज बींग कन्वर्टेड इन टू मेलेट. बोथ है 4 कार्बन कंपाउंड, एंड द रिएक्शन इज बींग कैटलाइज बाय फ्यूमरेज. दिस इज़ अ हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मेलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, एंड द वेयर एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. मीन्स अ फ्यूमरेट इज बींग रिवर्सिबली कन्वर्टेड इन टू मेलेट, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है. फ्यूमरेज एंजाइम का वर्क हो रहा है और साथ में कन्वर्जन हो रहा है फ्यूमरेट का मेलेट में, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. दिस इज द स्टेप नंबर 7. नाउ स्टेप नंबर 8, दिस इज़ द स्टेप नंबर 8, विच इज़ अ डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप. हेयर मेलेट इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलो एसिटेट बाय मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, एंड हेयर द कन्वर्जन ऑफ मेलेट टू ऑक्सैलो एसिटेट टेक्स प्लेस. एंड यहाँ पर हमारा एक NADH का मॉलिक्यूल बन रहा है. कोई भी कार्बन रिड्यूस नहीं हो रहा. मेलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसिटेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है. हेयर इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल सिंथेसिस ऑफ NADH अकर्स. यहाँ पर पूरी साइकिल में 3 जगह पे NADH का प्रोडक्शन होता है, और तीसरा जगह यहाँ पे मैं आपको कंबाइनली दिखाऊंगी अभी कि कहाँ कहाँ NADH का प्रोडक्शन हो रहा है. अब जो यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटेट बना है स्टेप नंबर 8 में, इट इज़ रीजनरेटेड, क्योंकि आपने देखा था कि स्टेप नंबर 1 में ऑक्सैलो एसिटेट इज़ बीइंग कंबाइंड विद एसिटाइल कोए, और साथ में हमारे पास सिट्रेट मॉलिक्यूल बन रहा था. यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटेट पूरे साइकिल में दोबारा रीजनरेट हो गया स्टेप नंबर 8 में, और दिस ऑक्सैलो एसिटेट कैन कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए एंड कंटिन्यू द साइकिल.
एक्चुअली में नो नेट रिमूवल ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट अकर्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट कैन थ्योरेटिकली ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स। ऑक्सैलो एसिटेट जो होगा वो पूरे साइकिल में दोबारा दोबारा जनरेट होता रहता है, रीजनरेट होता रहता है, और वो एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन करता रहता है CO2 मॉलिक्यूल्स में। इस तरीके से साइकिल पूरी चलती रहती है। ये पूरे स्टेप्स थे हमारे 8 के लिए। लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 8 डिहाइड्रोजिनेशन, जहाँ पे हमारे TCA साइकिल के 8 कैटो स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। चलो अब हम इस साइकिल का एक ग्लांस देखते हैं, पूरा साइकिल एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट साइकिल, हमारी जो कंप्लीट साइकिल है। हमने जो स्टेप बाय स्टेप सारी देखी है ये कंबाइंड है क्रैब साइकिल पूरी की पूरी किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो इरिवर्सिबल है, इसके साथ में हमारा जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेटिन जो थर्ड स्टेप है वो भी इरिवर्सिबल है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट से जो सक्सेनाइल को यानी फोर्थ स्टेप है वो भी इरिवर्सिबल है। बाकी सारे स्टेप जो मैंने रेड मार्क से दिखाए हैं वो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी दिखाया है, जहाँ जहाँ पे कार्बन आपका रिड्यूस हो रहा है नंबर में इन द कंपाउंड, और NADH और कहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे FADH का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे कहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब मैंने यहाँ पर दिखाया है इस क्रैब साइकिल के अंदर। अब हम इसकी एक नेट साइकिल देख लेते हैं कि नेट क्या सिंथेसिस हो रहा है, क्या यहाँ पर यूज़अप हो रहा है। दिस इज़ द नेट रिएक्शन ऑफ द क्रैब साइकिल वेयर एन एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल प्लस 3 NAD प्लस FAD प्लस GTP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर बींग यूज एंड दे प्रोड्यूस 3 NADH प्लस 2 CO2 प्लस 3H पॉजिटिव प्लस FADH2 प्लस GTP एंड अ को एंजाइम ए इज प्रोड्यूस। दिस इज़ द नेट रिएक्शन ऑफ द क्रैब साइकिल। यहाँ पर हमारी क्रैब साइकिल का डिटेल्स विद स्टेप्स पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अब पूरी क्रैब साइकिल समझ में आ गई होगी विद इट्स 8 स्टेप। मैं एक बार आपको फिर समराइज कर देती हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज़ द कंडेंसेशन स्टेप, सेकंड स्टेप इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन रिस्पेक्टिवली, थर्ड इज़ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, फोर्थ इज़ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एज वेल, एंड द फिफ्थ स्टेप इज़ द सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सिक्स इज़ द डिहाइड्रोजिनेशन, सेवन्थ इज़ द हाइड्रेशन एंड एट्थ इज़ द डिहाइड्रोजिनेशन, एंड एट स्टेप अगेन फॉर्म्स ऑक्सैलो एसिटेट एंड द साइकिल गोज ऑन लाइक दैट। और यहाँ पर हमारी पूरी जो क्रैब साइकिल है विद इट्स डिटेल्स आर बीइंग कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्रैब साइकिल अब अच्छे से, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day.